बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं नवाज शरीफ की बिल्डिंग्स लंदन में। तो इधर दो बड़ी बिल्डिंग है जिसके बारे में लोगों को शक है कि ये नवाज शरीफ की है, लेकिन इनफैक्ट ये नवाज शरीफ की नहीं, ये वैसे अफवाहें हैं। जो नवाज शरीफ की इधर प्रॉपर्टी है हमारे घर के करीब, वो मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। लोग इल्फर्ड में इन दो बिल्डिंग को बोलते हैं जो बनी है कि ये नवाज शरीफ की है। इससे पहले इधर छोटी सी मार्केट हुआ करती थी, आज से तकरीबन 10-15 साल पहले। तो लोग वो बोलते कि नवाज शरीफ की मार्केट है, तो वो तोड़ के इसके ऊपर ये दो बिल्डिंग भी बनाई है, लेकिन ये नवाज शरीफ की नहीं है, वो वैसे बराए नाम है। नवाज शरीफ की बिल्डिंग है तो ये मैं दिखाता हूँ। इसके इस तरफ थोड़ा जाएंगे, लाला मंडी मोहसिया, हाँ ये जो, हाँ ये बिल्डिंग, वो सामने जो काले बिल्डिंग नज़र आ रही है, और इसकी इस लेफ्ट पे जो, सॉरी, ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, पहले ये कार पार्क था, लेकिन ये जगह नवाज शरीफ की थी। तो अभी अल्लाह को पता है कि ये बिल्डिंग भी नवाज शरीफ की या वो ज़मीन बेच दी थी, लेकिन वो जो बड़ी बिल्डिंग है मैंने आपको दिखाई, ये नवाज शरीफ की नहीं है। नवाज शरीफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पर वो खुद रहते हैं उधर फ्लैट में हाइट पार्क के साथ, जिस पर मसला बना हुआ है, तो वो नवाज शरीफ की है, लेकिन वो जो बड़ी बिल्डिंग है वो नवाज शरीफ की नहीं है। हाँ तो लोग वैसे बातें बनाते हैं। ये वो जो सामने नज़र आ रहे हैं वो ज़मीन नवाज शरीफ की दिखाए, अभी अल्लाह को पता है कि उन्होंने बेच दिए, क्योंकि काफ़ी सारे फ्लैट्स बने हुए हैं और हर फ्लैट की कीमत कम अज़ कम जो है ना 3 लाख पाउंड है। तो मेरे ख्याल में वो नवाज शरीफ की नहीं है, उसकी जो फ्लैट्स है वो एवन फील्ड में है, उधर जिसको बोलते हैं हाइट पार्क के साथ, वो उनके हैं। हाँ तो वैसे नवाज शरीफ के इस इधर भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए ना जो नवाज शरीफ को 2-4 दफ़ा खरीद सकते हैं, ये उन लोगों की है। ओके दिन जी, बहुत शुक्रिया वॉच करने का। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ऑन द वीडियो, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।